नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ हनुमते नमः ॐ राम रामाय नमः ॐ मातिश्री नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। आज 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार एकादशी का तिथि है, अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी और अक्टूबर 10 तारीख। आज का चंद्र राशि आज सिंह राशि में और आज नक्षत्र मघा गंडमूल नक्षत्र में रहेंगे। टारगेट नक्षत्र मघा है। आज का सूर्योदय, आज सूर्योदय का समय होने वाला है 6:18 पे। सूर्यास्त 5:57 PM पे रहेगा। ऋतु शरद ऋतु। राशि चंद्र राशि सिंह राशि और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से 12:31 PM। बेड टाइम जोन 3:02 PM से 4:30 PM। और आज का राशि बल मिथुन सिंह तुला वृश्चिक कुंभ और मीन में फुल पावर। अश्विनी नक्षत्र बल अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा पुनर्वसु अश्लेषा मघा पूर्व फाल्गनी उत्तरा फाल्गनी चित्रा विशाखा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद रेवती इनमें बल रहेगा। तो चलिए मेष राशि। मेष राशि के लिए पंचम चंद्रमा बेवकूफी नॉट गुड, अच्छा नहीं रहे। घात चंद्र योग रह सकता है, थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा घटेगा, 37 तक जाने वाला है। धन और पराक्रम ठीक रहने के बावजूद भी सेल्फ एनर्जी के कारण उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। वृष राशि का चतुर्थ चंद्रमा एकदम नॉट गुड, कॉन्फिडेंस में कमी रहने वाला है, भय थोड़ा रहेगा, बेवकूफी कर सकते हैं, निर्णय कुछ भी ना लें। पॉजिटिव लेवल पे बात करें, धन पराक्रम ठीक होने के बावजूद, एंजॉय मजा मस्ती होने के बावजूद थोड़ा सा डाउन एनर्जी रहेगा। मिथुन का बात करते तो तृतीय चंद्रमा सॉलिड बेटर बेस्ट गुड गो को, दोनों धन पराक्रम एकदम टॉप में चल रहा है। 80-90% तक का ऊर्जा दिखाई दे रहा है। नूतन बंधु मित्र मिलन का भी दिखाई दे रहा है। मिष्टान्न भोजन आपकी तरफ बढ़िया जा रहा है। कर्क राशि ढैया द्वितीय चंद्रमा कुछ ज्यादा ही परेशानी हो सकता है संभवतः। धन वाणी परिवार के क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहें, वाणी संभल के प्रयोग करें, यात्रा इत्यादि से थोड़ा परहेज करें। धन और पराक्रम, धन का स्थिति तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहेगा लेकिन पराक्रम स्ट्रांग रहने वाला। कर्क के बाद सिंह का बात करते हैं। सिंह के लिए यहाँ आज का दिन प्लानिंग वाला दिन रहेगा, सॉलिड प्लानिंग बनाओगे, 70% का एनर्जी जा रहा है, 30% नॉट गुड रहेगा। धन का स्थिति गुड, पराक्रम का स्थिति सुपर गुड, यानी आपके लिए फेवरेबल ओवर एनर्जी रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये द्वादश चंद्रमा बन रहा है नॉट गुड, थोड़ा सा खर्चा और यात्रा में परेशानी, गलत निर्णय ले सकते हैं, एनर्जी 22 तक जाएगा। धन का स्थिति नॉट गुड, पराक्रम टॉप। तुला का बात करते हैं। तुला के लिए लाभ चंद्रमा सॉलिड बेटर बेस्ट गुड गो गो, 80-90 तक जा सकता है, संभालना है संभाल लेना। और आज का दिन सर में थोड़ा सा चोट का संभावना है या फिर कुछ गिरने का संभावना है, थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बाकी लेकिन पॉजिटिव है, धन पराक्रम दोनों ठीक चल रहा है। चलिए बात करते हैं अभी वृश्चिक के लिए। वृश्चिक के लिए दशम चंद्रमा एकदम टॉप, कार्य सिद्धि योग सफलता, रुका हुआ काम बनेगा आपके लिए, धन का विस्तृति और पराक्रम दोनों ठीक चल रहा है। धनु के लिए बात करते हैं नवम चंद्रमा थोड़ा सा वीकनेस लेथर्जिक दे सकता है। कन्या के लिए मकर के लिए बात करते हैं अष्टम चंद्रमा शुरू, क्या बोलना है, और फिलहाल फिर भी ऐसा नहीं है, जिसका नेगेटिव कुंडली रहेगा ये टाइम बहुत उनका अच्छा चलता है। नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो आपके जो लोग जिनका कुंडली बहुत ज्यादा नेगेटिव है उनके लिए ये 3 दिन अच्छा चलेगा, अगर अदरवाइज टाइम काम में बाधाएं मानसिक तनाव टेंशन थोड़ा रहेगा। 20-25 तक का एनर्जी डाउन करने वाला है लेकिन माँ काली का सुबह सुबह पूजा कर लो या कुछ हवन इत्यादि दे दो, सूर्य का अर्घ्य दे दो, कट जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी ग्रोथ हो जाएगा। कुंभ के लिए बात करते हैं सप्तम चंद्रमा एंजॉय एंजॉय मजा मस्ती टॉप गुड, लेकिन फिर भी घात चंद्र योग सावधान, कामनाएं वासनाएं बढ़ सकते हैं दोनों कुंभ और मकर दोनों का, उतना ज्यादा नहीं मैनेजेबल रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं आइसोलेशन भी दे देगा। ये बात करते हैं मीन का छठा चंद्रमा, यहाँ भी कार्य सिद्धि योग सफलता गुड है बेटर है बेस्ट है, 80-90 तक जा रहा है। ढैया 40 नंबर काट दे रहा है, 47.5 40 नंबर काट रहा है। धन का स्थिति पराक्रम दोनों ठीक रहेगा लेकिन अनकंट्रोल रह सकता है, थोड़ा सा डाउनफॉल जा सकता है। चलिए आज का नक्षत्र हो गया ये
मघा नक्षत्र। तो जो लोग आज तीन नक्षत्र में, अश्विनी, मेष, मघा सिंह, मूल धनु, इनका जन्म है 70% गुड़, 30% नट गुड़ जन्म तारा है। उसके बाद जो लोग भरणी, मेष, पूर्वा फाल्गुनी, सिंह, पूर्वा षाढ़ा, धनु में जन्म हुए हैं, उनके लिए संपत्ति तारा पे है, ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद जो लोग कृतिका, मेष, वृष, उत्तरा फाल्गुनी, सिंह कन्या, उत्तरा षाढ़ा, धनु मकर, विपत्ति तारा में रहेगा, सावधान रहेंगे। चंद्रमा के तीन नक्षत्र रोहिणी, वृष, हस्ता कन्या, श्रवणा, मकरू, तो उनके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में रहेगा, मस्त रहेगा, चलेगा। मंगल के तीन नक्षत्र मृगशिरा, वृष, मिथुन, मलचित्रा, कन्या तुला, धनिष्ठा, मकर कुंभ, तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा प्यारे 50% गुड रहेगा। आद्रा आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतवीसा कुंभ, तो आपके लिए ये बन रहा है जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा पे है, बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं, बद्ध तारा में नहीं, गलत बोल दिया, बाधक साधक तारा में आ रहे, सफल है, गुड है। गुरु के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म पुनर्वसु, मिथुन कर्क, विशाखा तुला, वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद, कुंभ मीन, इनके लिए बद्ध तारा में सावधान रहेंगे। और बाकी पुष्य कर्क, अनुराधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद, मीन, इनके लिए मित्र तारा है। और आश्लेषा कर्क, ज्येष्ठा, वृश्चिक, रेवती, मीन, अति मित्र तारा में है, इनके लिए दोनों के लिए एकदम बेस्ट सॉलिड गुड है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एकादशी है, जरूर पालन करें। उपवास व्रत व्यक्ति को एनर्जी देता है, सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है। एकादशी में बहुत सारे ग्रह शांति होते हैं। एकादशी का उपयोग, ये जो आने वाला एकादशी है, ये स्वाभाविक बात है, मतलब आदमी को, आदमी के अंदर एक प्रकार का शक्ति और ऊर्जा को बढ़ा देता है, और जितने सारे मैलिफिक एनर्जी हैं सबको काट के निकल देता है। फास्टिंग हील द डिजीज फास्ट, फास्टिंग हील द प्लैनेट डिज प्लैनेटरी डिजीज फास्ट। जानते हो बड़े बड़े रोग का इलाज उपवास में होता है, जानते हो बड़े बड़े ग्रह शांति उपवास में होता है। एकादशी इनका सबसे बड़ा राजा है। धन्यवाद, नमस्कार।